वेलकम बैक गाइस, आ चुके हैं नए वीडियो के साथ। और ये है मोबाइल मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जिसमें मैंने बताया था ये कहाँ से मिलेगा, कितना मिलेगा और कैसे अटैच करना है, कैसे इसको ऑपरेट करना है हेलमेट में लगा के। और ये हेलमेट है जो है स्टीलवर्ड का SVS-17 हेलमेट है। इसी हेलमेट के ऊपर मैंने डेमो दिया था कि कैसे इस मोटो ब्लॉगिंग सेटअप को इसमें लगाना है और कैसे यूज़ करना है। तो बेसिकली इस हेलमेट में प्रॉब्लम ये आ रही है जब भी इस मोटो ब्लॉगिंग सेटअप को लगाते हैं आप और ब्लॉगिंग करते हैं, तो ग्लास जब बंद करना होता है तो ग्लास यहाँ पर जो बंद नहीं होता, कंप्लीट बंद नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ये ग्लास जो टू स्टेप में बंद होता है। देखो ये अगर आप इसको बीच में रोकना चाहें ना, यहाँ पर रोकना चाहें तो यहाँ रुक जाता है इतने में, और कंप्लीट बंद करना चाहें तो बंद नहीं हो रहा है जब हमने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप यहाँ पर लगाया है। तो इस इशू को कैसे सॉल्व करना, कैसे इजीली मतलब आप इसको यूज़ कर पाएँ, उसके ऊपर ये वीडियो है, क्योंकि मैं बहुत इजीली इसको यूज़ कर पा रहा हूँ और बहुत इजीली ये बंद भी हो जाता है। तो कुछ स्टेप यहाँ पर फॉलो करने हैं, ओनली 2 स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आप फॉलो करके डेफिनेटली बहुत अच्छे से आप यूज़ कर पाएंगे इसी हेलमेट को। सो गाइस, स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब इसको इसमें इंस्टॉल करेंगे या फिर अटैच करेंगे तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना, ये वाला पोर्शन 2 पॉइंट जो है ये ऊपर की ओर होने चाहिए, ताकि यहाँ पर जो एक एज टाइप का यहाँ पर बना हुआ है, ये जो इसकी बेल्ट्स हैं एक इस साइड दूसरी साइड से ही निकल जाए। इसको लगाते हुए इस तरह लगाएंगे, देखो ऑलराइट, अटैच तो आपको करना ही आता होगा। खैर सिंपली मैं फटाफट से लगा देता हूँ इसके अंदर। सो यहाँ पर मैंने इसको अटैच कर दिया है, ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों पॉइंट ऊपर की तरफ रखे, सिंगल वाला नीचे की तरफ रखा है। ऑलराइट, अब देखो क्या करना है, ये तो आप इजीली अटैच कर लेंगे, इसमें कुछ है नहीं। और इसको भी ध्यान रखना इस तरह से ही अटैच करना, ये वाला जो इसमें माउंट है ना, मोबाइल का जो माउंट है, इसमें इस पॉइंट से ही अटैच करना, ना कि इससे। इससे करेंगे तो इसकी हाइट जो ज़्यादा हो जाएगी और ऊपर ये पूरा जो ग्लास के सामने आ जाएगा। ऑलराइट, तो इसलिए यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि हमेशा इस पॉइंट को जो इस मोबाइल माउंट को जो इस साइड ही अटैच करें, यानी इस पॉइंट पर अटैच करें। ऑलराइट, अब मैं इसको लगा लेता हूँ। देखो अब मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है, नाउ इसको एडजस्ट कर लेंगे, टाइट कर लेंगे जहाँ पर भी करना। अब देखो ग्लास बंद करने के लिए जो सेकंड स्टेप है जो आपने फॉलो करना, वो बेसिकली क्या है, क्या करना है, हमें जो हेलमेट को फोर्सफुली बंद करना है। कैसे होगा, नीचे की तरफ हेलमेट बाहर लगाएंगे इस तरह से, और इस तरह से कर देंगे इसको बंद। ऑलराइट, ये बंद हो चुका है। अब क्या करना है, जो बेल्ट हमने लगा रखी है, जो उसका लॉक है, उसके लॉक को ओपन करेंगे और बंद कर देंगे। दैट्स इट, ना बेल्ट को लूज़ करना है ना टाइट करना। तो सेकंड लॉक जो है उसको भी ओपन करेंगे और बंद कर देंगे। अब क्या होगा, जो बेल्ट स्टार्टिंग में टाइट थी वो इसके हिसाब से एडजस्ट हो गई होंगी। ऑलराइट, और देखो अब इजीली ये बंद हो पाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से बंद हो पा रहा है। सो गाइस, अब इस हेलमेट को लगाने के बाद किस तरह से आप इसको ऑपरेट करेंगे, कुल मिला के इसका जो ग्लास है कैसे ओपन करेंगे और कैसे इसको बंद कर पाएंगे ईजिली बाइक पर चलाते हुए, बाइक के ऊपर बैठ के या फिर बाइक को रोकते हुए भी, दोनों तरीके से मैं बताने वाला हूँ। सो स्टार्टिंग में जो स्टेप्स मैंने बताए उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, अब हेलमेट को लगाना है। और मैंने हेलमेट लगा लिया, अब सिंपली देखो ग्लास कैसे बंद करना, जब भी आप बाइक पे बैठेंगे, ये त्रिशौरा का। ऑलराइट, तो आप जब भी बाइक पे बैठेंगे तो हेलमेट का ग्लास कैसे बंद करेंगे, देखो सिंपल तरीका है यहाँ पर। पहला तरीका तो ये, मैं यूजुअली क्या करता हूँ, बाइक रोकी, हेलमेट जैसे बाइक के ऊपर बैठा, इसका वाइजर अगर बंद करना तो हेलमेट को मैं इस साइड से ऐसे पकड़ूँगा हल्का सा और लिटिल बिट पुश करूँगा, बस बहुत ईजिली बंद हो जाता है। यहाँ पर हल्का सपोर्ट देना, इसको इस तरह से बंद करना है। ऑलराइट, जब स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स आप फॉलो कर लेंगे उसके बाद का प्रोसेस है। और दूसरा, मान लो आप बाइक चला रहे हैं, राइड कर रहे हैं, आपने अचानक जो वाइजर ओपन कर लिया, ऐसा भी हुआ है, आपने सोचा मैं आंखों से देख लेता हूँ, आपको हवा लेने का मन हुआ, तो ऐसे में जो आपने क्या करना है, ऐसे में देखो आपने क्या करना है, बंद करते हुए, खोल तो दिया आपने, अब बंद कैसे करना, आप चलती बाइक पे अगर करना चाह रहे हैं, हाथ लगा के, तो आपने क्या करते हैं कि बाइक को रोक के तब बंद करते हैं, तो हाथ लगा के इस तरह से बंद हो जाता है। बट आपने चलती बाइक पे बंद करना है तो एक हाथ से बंद करेंगे ना, तो एंगल चेंज हो जाएगा यहाँ पर वीडियो का। तो ऐसे में क्या करना है, एक बाइक से बंद करने के लिए आपने सिंपली शोल्डर को ऐसे उठाना है। ऑलराइट, इस तरह से, और बाइक चलाते हुए थोड़ा बियर्ड लगेगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा, ऐसे करके और ऐसे बंद कर देना, ईजिली बंद हो जाएगा। मान लो आपने पकड़ी हुई कौन से वाले हाथ से, इस हाथ से, तो ऐसे में इस तरह से करेंगे, ये देख पा रहे हैं कितना इजीली हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं। सो स्टार्टिंग में जो सेकंड स्टेप मैंने यहाँ पर बताया था, उस स्टेप में क्या था कि भाई जब आप बेल्ट को, ग्लास को फोर्सफुली बंद करने के बाद आप इसका जो लॉक को खोल के बंद करेंगे, उसमें थोड़ा सा लूज हो जाता है इसकी फिटिंग के हिसाब से। ऐसे में आप कहेंगे ये थोड़ा सा मूव करेगा, नहीं करेगा जब हम ग्लास को बंद कर देंगे लाइक दिस। अब ग्लास को हमने बंद कर दिया, बाइक चलाएंगे, बिल्कुल भी मूव नहीं करता, बिल्कुल भी शेक नहीं करता। सो गाइस, इस तरीके से जो आप इस हेलमेट के वाइजर को कंप्लीटली बंद कर पाएंगे बाइक को चलाते हुए या फिर रोक कर भी कर पाएंगे,
जो मैंने तरीके बताए स्टार्टिंग के टू स्टेप्स फॉलो करने और बंद करने के लिए जो बाइक चलाते हुए किस तरह करना और बाइक रोक कर किस तरह से करना है, तो वो तरीका मैंने बता दिया। साथ यहाँ पर मैंने लिंक दे दिया इस हेलमेट का, इस मोटो ब्लॉगिंग सेटअप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ये जो माइक है ना बहुत यूजफुल माइक है, मैंने यहाँ पर मोटो ब्लॉगिंग करके देखी, ईयरफोन के साथ भी करी और बेसिक जो माइक आता है उसके साथ भी करी, और बोया का BYMN माइक है इसके साथ भी करी, तो इसका रिजल्ट काफ़ी सही था। बट इसको प्रॉपर एडजस्ट करना पड़ता है प्रॉपर डिस्टेंस के साथ, और बोलते हुए आपने ध्यान रखना पड़ता है कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ ना बोलें, बहुत ज़्यादा लाउड ना बोलें, तो प्रॉपर आवाज़ आती, सही आवाज़ आ जाती। ऐसे में इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, आप मंगा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। हेल्पफुल हुई तो क्या करना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना दोस्तों। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को करना सब्सक्राइब।